सवाल एक सवाल है कल नियोजन नीति जो स्थानीय नीति को लेकर नियोजन नीति बनाता है 10वीं पास से इंटर पास की झारखंड में जो करेंगे वो झारखंड स्टेट में जॉब करेंगे लेकिन वो भी हाईकोर्ट से उसको रिजेक्ट कर दिया। देखिए नियोजन नीति पर हम यही कहना चाहेंगे कि चाहे रघुवर सरकार हो चाहे हेमंत की सरकार हो युवाओं को केवल छलने का काम किया है। खासकर बड़ा दुख होता है, आप भी छात्र हैं हम भी छात्र हैं, पढ़ने वाले युवा हजारीबाग रांची इत्यादि क्षेत्रों में जाकर जगहों में जाकर बड़ी मुश्किल के साथ घर से खेतीबाड़ी को गिरवी रखकर अपनी पुरखों के गहने को बहुत सारे लोग गिरवी रखकर एक अच्छी शिक्षा के लिए बाहर जाते हैं कि भविष्य में एक अच्छी नौकरी होगी तो जीवन संपन्न होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रकार की नीति बनना जो गलत है उस पर आज सरकार को संज्ञान में लेते हुए सरकार को चेतते हुए एक ऐसी नीति बनानी चाहिए जो राज्य के हित में हो। और बिल्कुल मेरा भी मानना था कि 10th 12th कहीं ना कहीं फंसने वाला नीति इसलिए था क्योंकि हमारे बहुत सारे जो ग्रीडी के छात्र हैं हमारे एक साथी हैं वो महाराष्ट्र से 12th पास किए हैं तो इस हिसाब से उस नीति के हिसाब से क्या हो जाता कि जो वो झारखंड का नहीं गिने जाते हैं तो कहीं ना कहीं छात्रों को केवल रुलाने का काम हो रहा है। गवर्नमेंट जानती है कि नीति एक दिन कोर्ट में फंसेगी लेकिन बावजूद इसके क्योंकि इसको केवल और केवल आखिर अपना दो बचाव कैसे करेगी ये तो आप कह सकते हैं कि वैकेंसी इसलिए मन रद्द किए कि कोर्ट ने नीति को रद्द कर दिया, ये जानबूझकर अच्छा नीति नहीं बना रही है क्योंकि ये चाहती है कि झारखंड की जो युवा है युवा जो रीढ़ होती है उसे चाहती है ये धराशाही करना और धराशाही कर उसे कमजोर बनाकर ये शासन करना चाहती है। पिछले विगत एक सालों से हम लोग लगातार जनता की आवाज़ बन रहे हैं और चूँकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे पहला काम होता है आवाज़ बनना। आज जो भय का माहौल है गांव के लोग दबे कुचले रहते हैं उन्हें भय होता है कि उनकी आवाज़ को कहीं दबा नहीं दी जाए तो हमारा पहला काम है आवाज़ बनना, गांवों के लोगों को एकजुट करना और उनके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना। और जब वार्ता नहीं होगी तो मुझे लगता है झारखंड में जगह जगह जलियांवाला बाग देखे जाएंगे क्योंकि हम तो मानेंगे नहीं, प्रशासन गोली चलाना है चलाए हम अपना सीना आड़ के रख देंगे क्योंकि हमारी लड़ाई प्रशासन से नहीं है क्योंकि वह तो 3rd 4th grade की नौकरी करने वाले अपने ही भाई बंधु हैं और ड्यूटी बचाने के लिए अपना ड्यूटी फर्ज निभाने के लिए क्योंकि भारत सरकार जो है वह कंपनी के अधीन है और कंपनी जो आदेश देती है सरकार को सरकार कलेक्टर को देती है कलेक्टर अपनी फोर्स भेजती है तो हमारी लड़ाई उनसे कभी नहीं है। लेकिन ये तय है अगर अधिकार नहीं मिलता है तो आने वाला दिन झारखंड में जगह जगह जलियांवाला बाग देखने को मिलेगा। इसलिए देखने को मिलेगा अभी उदाहरण गोंदलपुरा वहाँ अडानी तो पहुँच गया जमीन लेने के लिए लेकिन जमीन कहाँ उनको जमीन के बदले जमीन आप कहाँ दे रहे हैं इसकी कौन गारंटी लेगा? स्पष्ट है कि जमीन के बदले जमीन नहीं मिलेगा सिर्फ पैसा मिलेगा तो उस पैसे का हम क्या करेंगे कहाँ जमीन खरीदेंगे? क्या आप आसन बने में उनको जमीन देंगे? क्या रांची में क्या धनबाद में जमीन देंगे? नहीं देंगे। तो इसलिए हमारा मानना है जमीन के बदले पहले जमीन मिले उसके बाद और पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि उद्योग वहाँ लगे जहाँ बंजर भूमि हो, खेतीहर भूमि में उद्योग ना लगे। झारखंडी युवाओं को एकजुटता के साथ सड़क में आने का समय है क्योंकि ये बात मानना होगा भले हेमंत सोरेन की जो सरकार है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है गठबंधन कांग्रेस का है लेकिन वहाँ पिंटू श्रीवास्तव बैठा है वहाँ सुप्रियो भट्टाचार्य बैठा है जो एक बंगाल का एक बिहार का है और भी जो लोग हैं उनके मैक्सिमम लोग इस राज्य के नहीं हैं वो लोग चाहेंगे ही कि अपने जो बच्चे अपने जो राज्य के हैं उनका रास्ता छोड़ दिया जाए उनको आने का रास्ता दिया जाए। तो इसलिए मेरा मानना है कि आज युवाओं के सामने विकल्प है एक बहुत बड़ा आंदोलन एक बहुत बड़ा विद्रोह अगर वह अपने हिम्मत के साथ आ पाते हैं तो मुझे लगता है सफल होगा नहीं तो फिर इसी तरह नीति बनेगी फिर कोर्ट जाएगी रिजेक्ट होगी और फाइनली झारखंड में इसी तरह चलता रहेगा उम्र पार हो जाएगी नौकरियां बाहरियों को बांट दी जाएगी जिस प्रकार पहले बांटी गई है फिर 35-20 साल आप चिल्लाते रहें। इसलिए आज एकजुटता का आवश्यकता है और मतलब इस राज्य में एक बहुत बड़ा उलगुलान की आवश्यकता है जो तख्ता के साथ साथ व्यवस्था के साथ साथ सत्ता के साथ साथ एक विचार और जो सिस्टम जो मैंने मकड़े की जाल की तरह दिमाग की तरह चाट रहा है उसे साफ करने का समय। दोनों सवाल के उत्तर साथ ही देते हैं। छात्र सड़कों पर क्यों नहीं आएंगे जितेंद्र बाबू? हम कल हजारीबाग गए थे कुछ छात्र मिले कुछ नहीं लगभग 40 की संख्या में छात्र मिले उन्होंने बड़े प्यार से भोजन करवाया लेकिन उनकी आंखों में बस उदासी देखी उन्होंने बस एक ही बात को कहा कि दादा हम लोग का एक ही ख्वाहिश है कि जब घर वापस जाएं तो यहां से एक छोटी सी नौकरी लेकर जाएं तो क्यों नहीं उदास दिखेंगे वो अपने मैंने अपने ख्वाबों को अरमानों को पूरे करने के लिए गए हैं। और आप अगर नियोजन नीति की बात करते हैं तो नियोजन नीति झारखंड के हित में तभी संभव हो पाएगी जब खतियान आधारित स्थानीय नीति बनेगी उसके बाद नियोजन नीति बने उसके सिवा झारखंड के लिए कोई उपाय नहीं है। और साथ ही साथ उन्हें थोड़ा सा एक जिला वाइज सोचना होगा और वैकेंसियों को प्रखंड वाइज सोचना होगा क्योंकि अगर आप भाषा को लेते हैं तो भाषा क्या है कि यहाँ प्रखंड प्रखंड भाषा बदल जाती है तो अतः मुझे लगता है कि प्रखंड वाइज जो 3rd 4th grade की नौकरियाँ हैं उसे प्रखंड वाइज सोचना होगा। और हाँ इसमें एक चांस ये भी बनता है कि जो लोग अपना होम मिलता है तो ये लोग थोड़ा सा मनमानी करते हैं ये सवाल खड़ा होगा लेकिन थोड़ा सा इस पर एक विचार करना होगा और भाषा को कहीं ना कहीं बैरियर के रूप में इस्तेमाल करना ही होगा जिस प्रकार बंगाल के में स्पष्ट है कि आप बंगाली भाषा का ज्ञान बंगाली मान्यता बिहार में अपना बिहार होने का निवासी लेकिन झारखंड में वैकेंसी आती है तो ऑल ओवर इंडिया के लोग आगे भर देते हैं तो इससे अच्छा झारखंड नहीं बनता।
इससे अच्छा झारखंड नहीं बनता।